जितनी ताकत है आपके अंदर, जितनी मेहनत कर सको, साथ साथ आठ आठ घंटे, जितनी कैपेसिटी है उतनी इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा दीजिए। मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन इसमें 100% होगा। जरूरी है फोकस कॉन्सेंट्रेशन अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे 7 अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स जिनको अगर आप अपनी लाइफ का टारगेट बना लेते हो तो 2021 में आपकी एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब पक्की। अब देखें दोस्तों, इन एग्जाम्स में से कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिनके लिए ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और कुछ एग्जाम्स ऐसी है जिनके आने वाले 2-3 महीने में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि 6-7 महीने के अंदर ये सभी एग्जाम आपके हो जाएंगे। तो जितना भी टाइम आपके पास है आपको जबरदस्त प्रिपरेशन करनी है इन एग्जाम को अपनी लाइफ का टारगेट बना के। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, काफी सारे लोगों के डाउट यही भी आएंगे कि भैया मैं 7 ही एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं और मैं इन सभी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहता हूं, तो मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से एग्जाम को दूं या फिर मैं कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूं ताकि मैं सभी एग्जाम के सिलेबस को कवर कर पाऊं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं ये 7 एग्जाम मैंने ऐसे ही सिक्वेंस में रखे हुए हैं। मान लीजिए कि जो फर्स्ट नंबर का एग्जाम है अगर आप उसको अपना टारगेट बनाते हो, उसकी प्रिपरेशन करते हो, तो बाकी के जितने एग्जाम है 2, 3, 4, 5, 6, 7 उन एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। पहले एग्जाम के प्रिपरेशन से ये आपके सभी एग्जाम कवर हो जाएंगे। अगर आप पहले एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो या फिर आपको पहला एग्जाम पसंद नहीं है, तो जो सेकंड नंबर पर एग्जाम मैंने रखा हुआ है आप उसको टारगेट कर दो, तो उसकी प्रिपरेशन से आप जो 3, 4, 5, 6, 7 एग्जाम है वो आप सभी कवर कर लोगे, उनके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इस तरीके से सिलेबस वाइज और जो एग्जाम बेस्ट है उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज बनाया हुआ है, तो बेफिक्र रहिए। बात करते हैं एग्जाम नंबर फर्स्ट के बारे में जो कि है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं आने वाली वैकेंसी के बारे में जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 नवंबर 2020 से स्टार्ट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ग्रुप सी की जॉब इससे बेस्ट मैं मानता ही नहीं हूं। फ्रेंड्स, गांठ बांध लीजिए, इसका जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वो 12 अप्रैल 2021 से होने वाला है। फ्रेंड्स, जितना भी टाइम आपके पास है फुल डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन में लग जाइए कि इस बार मुझे ये एग्जाम क्रैक करके रहना है। फ्रेंड्स, क्लेरिकल जॉब है, 4 पोस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए एकदम बेस्ट होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जानते हो, केवल 12 पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के 18 से 27 साल में एज लिमिट मांगी जाती है। फ्रेंड्स, इससे बेस्ट यार मुझे एग्जाम लगता ही नहीं, एकदम बैलेंस एग्जाम माना जाता है और जिसका सिलेक्शन प्रोसेस चलता है वो भी अपनी स्पीड से बेटर तरीके से चलता है। एसएससी की वैकेंसी होती है, आपको प्रॉपर पता रहता है कि एग्जाम कब होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर कब होगा, टाइपिंग टेस्ट कब होगा, फाइनल सिलेक्शन कब होगा, तो बेस्ट है। फ्रेंड्स, झोंक दीजिए अपने आप को और तैयारी में लग जाइए इस एग्जाम को। अगर आप क्रैक कर गए, आपने उस लेवल की तैयारी कर ली, फिर आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। बात करते हैं एग्जाम नंबर सेकंड के बारे में जो कि है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020। सबको पता है अगस्त मंथ में इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई हो चुके थे, बारी है तो इसके एग्जाम की। जो इसका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वो 27 नवंबर 2020 से होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो आपके हाथ में ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ग्रुप सी की वैकेंसी इससे बेस्ट आज के टाइम में कोई और हो ही नहीं सकती। फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर 4 साल में पता नहीं कब आएगी, तो ये तो अब आपके हाथ में है। फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, बस एग्जाम को आपको टारगेट बनाना है। फिजिकल आप सभी इसका आसानी से क्रैक कर लोगे, मेडिकल भी हो जाएगा, बस मेन चीज है तो एग्जाम। तो फ्रेंड्स, खुद को झोंक दीजिए, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1 से 1.5 महीना है, जितनी जबरदस्त मेहनत कर सकते हो करिए, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो फीमेल कैंडिडेट हो, इससे बेस्ट नौकरी आपको नहीं मिल सकती 2021 में। तो अगर आपने ठान लिया कि 2021 में मुझे जॉब चाहिए तो यार इसके एग्जाम के पीछे पड़ जाइए, मेरे हिसाब से आने वाले 3-4 साल में ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ नहीं लगने वाली। बात करते हैं एग्जाम नंबर थर्ड के बारे में जो कि है एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020। सब लोग जानते हैं हर साल एसएससी के थ्रू एमटीएस मल्टीटास्किंग की वैकेंसी निकलती है, लेकिन 2020 के अंदर कोविड-19 की वजह से वैकेंसी नहीं निकल पाई, लेकिन ये वैकेंसी अब निकल रही है 2 फरवरी 2021 को आने वाली है। मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी, काफी सारे लोग इस वैकेंसी का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, ग्रुप सी की वैकेंसी है। काफी सारे लोगों ने इस वैकेंसी को लेकर अपने माइंड में एक गलत परसेप्शन बनाए रखा है कि ये पियोन की वैकेंसी है। फ्रेंड्स, अब ये पियोन की वैकेंसी नहीं रही है, अगर आप इसकी
पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर मल्टीटास्किंग का काम करना पड़ता है। हमारे ऑफिस में भी काफी सारे एमटीएस एसएससी के थ्रू भरते हुए थे, तो मैं देखता हूं किस तरीके का उन्हें काम करना पड़ता है। तो बेफिक्र रहिए, एकदम अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि यार गवर्नमेंट जॉब लेना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपको तो पता ही है अपॉर्चुनिटी कितनी मुश्किल से आपको 3-4 साल में एक बार मिलती है, तो अपॉर्चुनिटी को ऐसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। 2 फरवरी को इसके फॉर्म निकले गए, तैयारी में अभी से आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि इसका एग्जाम 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स आज से आपके पास 8-9 महीने हैं, तो जबरदस्त वाली प्रिपरेशन में लग जाइए। इतना टफ नहीं होता है एग्जाम, 4 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, आपका जनरल इंग्लिश होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, 25-25 मार्क्स के आते हैं। प्रिपरेशन में लग जाइए, आप इस बार एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, इतना टफ नहीं होता। बाकी अदर स्टेज भी इसमें नहीं होती, केवल 10 पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25, 18 से 27 इसमें एज लिमिट मांगी जाती है, तो तैयारी में लग जाइए फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। बेस्ट एग्जाम है, एसएससी के थ्रू कंडक्ट होता है हर साल। बात करते हैं एग्जाम नंबर 4 के बारे में, जो कि है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020। फ्रेंड्स इस एग्जाम के बारे में कौन नहीं जानता होगा, 2 साल होने को आई है, बहुत सारे लोग इस एग्जाम का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, और मुझे पता है काफी सारे लोग वेट कर करके डिसअपॉइंट हो चुके हैं, प्रिपरेशन करना छोड़ चुके हैं, इतनी ढील दे चुके हैं कि पता नहीं एग्जाम तो कब होगा। लेकिन आप सब लोग जानते हैं एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चल रहा है, 15 दिसंबर से इसका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। मैं गारंटी लेता हूं एग्जाम आपका 100% होगा। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि 10-12 साल में एक बार आती है। सब लोग जानते हैं 35,000 के आसपास वैकेंसी थी, जो मेहनत करेगा, जो जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करेगा, वही इसमें सिलेक्शन ले पाएगा। फ्रेंड्स सिलेक्शन आपका हो जाएगा, बस जो ये लास्ट टाइम है, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने के आसपास आपके पास बचा हुआ है, जितनी ताकत है आपके अंदर, जितनी मेहनत कर सको, 7-7, 8-8 घंटे जितनी कैपेसिटी है उतनी इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा दीजिए, मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन इसमें 100% होगा। जरूरी है फोकस कॉन्सेंट्रेशन अपनी प्रिपरेशन के ऊपर एक राइट गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो प्रिपरेशन करिए फ्रेंड्स, बाकी एग्जाम को भूल जाइए। अगर आपको पसंद है कि हाँ यार एग्जाम तो बेस्ट है, और अंदर से थोड़ा सा भी आ रहा है कि हाँ एग्जाम को मैं क्रैक कर सकता हूं, तो बाकी सब एग्जाम भूल जाइए, सब आने वाली वैकेंसी भूल जाइए, बस इसी के ऊपर फोकस करिए, आप एग्जाम को जरूर क्रैक करोगे। बारी आती है एग्जाम नंबर 5 की, जो कि है उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2021। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने इस लिस्ट में ये एग्जाम क्यों ऐड कर दिया है, तो एक स्टेट लेवल की वैकेंसी है। फ्रेंड जरूर स्टेट लेवल की वैकेंसी है, लेकिन इसे अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है फ्रेंड, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार से करते हैं, और ये हमारी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इसी वजह से ये एग्जाम मैंने इसमें ऐड किया है। बहुत ही अच्छा एग्जाम है, बहुत ही जबरदस्त स्कोप इसका रहने वाला है। वैकेंसी के लिए प्रोसीजर चला हुआ है, आप देख रहे हैं अपडेट पे अपडेट आते ही जा रही हैं काफी टाइम से, बस टेंडर डिसाइड नहीं हो रहा है इसका कि किस एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को टेंडर दिया जाए, वो भी आपका होने वाला है। अनाउंसमेंट हो रखी है कि दिसंबर मंथ तक इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो बेफिक्र रहिए, तैयारी में लग जाइए फ्रेंड। छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर, तो डेफिनेटली अभी से आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा प्रिपरेशन के ऊपर, आपको तैयारी में लगना पड़ेगा। बड़ा जबरदस्त एग्जाम रहने वाला है फ्रेंड्स। एग्जाम कब होगा, लगभग 2-2.5 महीने के बाद हो जाएगा। दिसंबर में अगर फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो मार्च मंथ तक आपका एग्जाम 100% हो जाएगा। तो फ्रेंड छोटा एग्जाम मत समझिए, ढील मत दीजिएगा। अगर आपको एग्जाम सिलेक्शन चाहिए 2021 के अंदर, और आपको पसंद है कि हाँ यार मुझे तो वर्दी चाहिए और 2 स्टार चाहिए, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ नहीं सकती 2021 में, मुझे ऐसा लगता है। तो फ्रेंड्स जबरदस्त वैकेंसी है, लग जाइए तैयारी में। बात करते हैं एग्जाम नंबर 6 के बारे में, जो कि आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2020। अब आप ये सोच रहे हो कि ये मैंने इस लिस्ट में 6 नंबर पर क्यों रखा, इसके अंदर तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्जाम मैंने बताए, अगर आप उन एग्जाम में से किसी को भी लेकर इंटरेस्टेड है और आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप पहले उनकी तैयारी करिए, क्योंकि उनकी तैयारी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर मैं इसको पहले रख देता लिस्ट में, तो आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी से उन एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते थे, तो 6 नंबर पर ये बेटर है। और फ्रेंड्स ये तो आपको पता है कि ये ग्रेट एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। 2018 में ऑलरेडी कंपटीशन खत्म हो चुका है ग्रुप डी, जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था एसएससी जीडी में कंपटीशन जा चुका है, 1 से 1.5 लाख यूपी पुलिस कांस्टेबल में जा चुके हैं, तो कंपटीशन इसमें कम हुआ है, तो ये किसका प्लस पॉइंट है। इस बार आरआरसी ग्रुप डी में कंपटीशन काफी कम रहेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, 2018 के कंपैरिजन में जितने फॉर्म अप्लाई हुए थे उसके कंपैरिजन में, क्योंकि कंपटीशन जा चुका है, मैंने इस चीज को नोट किया है।
तो फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी बेस्ट है अगर आपने 10th पास किया, आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो यार तैयारी में लग जाइए। और जो इससे पहले मैंने आपको एग्जाम के बारे में बताया, आप उन एग्जाम में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आप एलिजिबल है या फिर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, तो इस एग्जाम को अपनी लाइफ का टारगेट बना लीजिए। गारंटी लेता हूं 2021 में ये जॉब आपके हाथ से कोई नहीं ले सकता अगर आप इसके एग्जाम के ऊपर फोकस करते हो। फ्रेंड्स 1,00,000 से ज्यादा वैकेंसी है, इस बार एक वैकेंसी आपके बीच में पक्का है। एग्जाम इसका एनटीपीसी के तुरंत बाद होगा, 15 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, फरवरी मंथ में आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बेफिक्र रहिए, ग्रेट एंड ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, तो तैयारी में लग जाइए। फाइनली बात करते हैं हमारे लास्ट रो एग्जाम नंबर 7th के बारे में, जो कि है एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2021। फ्रेंड्स 2021 के अंदर इससे बेस्ट, बिगेस्ट और ग्रेट एंड ग्रैंड अपॉर्चुनिटी कोई और आ ही नहीं सकती। मोर देन 50,000 वैकेंसीज के अंदर आएंगे, लाखों लोग इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आए और कब हम फॉर्म अप्लाई करें और कंपटीशन का हिस्सा बने। फ्रेंड्स आग लगाने वाला कंपटीशन इसके अंदर होने वाला है, तो हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं आप सब लोग जानते ही होंगे, 25 मार्च 2021 यानी कि 25 मार्च 2021 से होंगे। साथ ही जो इसका एग्जाम होगा सीबीटी होगा, ध्यान से सुनिएगा, वो आपका 2 अगस्त 2021 से होगा। यानी कि आज से आपके पास लगभग 9-10 महीने हैं तैयारी करने के लिए। जितनी जबरदस्त आप तैयारी कर सकते हो, जो भी कुछ कर सकते हो, जहां से भी पढ़ सकते हो, कोई सी भी किताब फाड़ डालो यार, बस बस आपको तैयारी नेक्स्ट लेवल की करनी पड़ेगी। जो कॉम्पिटिशन होगा उसको उससे अलग निकलने के लिए आपको तैयारी खतरनाक वाली करनी पड़ेगी और अभी से करनी पड़ेगी। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि यार मार्च में फॉर्म स्टार्ट होंगे तभी से कर लेंगे, हम तो कर ही लेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा फ्रेंड्स। अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेगी, लॉजिक बनाने पड़ेंगे, नोट्स बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आपकी बात बनेगी, तब आप कॉम्पिटिशन से अलग निकल पाओगे। मुझे पता है फिजिकल आप सब लोग कर लोगे, रनिंग आप सब लोग कर लोगे, लेकिन फ्रेंड्स मेन चीज है एग्जाम, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठेगा ना आपको उसको चीरते हुए निकलना है। तो फ्रेंड्स मेरी एडवाइस आपसे यही है कि आप तैयारी में बस दमदार वाला लग जाइए, दमदार वाली तैयारी कर दीजिए कि बस ये वैकेंसी ये एग्जाम 2021 में आपको ही क्रैक करना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल 7th एग्जाम, थे ना सबसे यूनिक सबसे बेस्ट। और भी एग्जाम आएंगे, सीपीओ सीजीएल दुनिया भर की वैकेंसी आती है, अननोन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आएंगी, स्टैटिक पुलिस के अंदर वैकेंसीज आएंगी, बहुत आती हैं, लेकिन ये सबसे यूनिक एग्जाम है और इन एग्जाम का जो लेवल है वो अपने आप में एकदम बेस्ट लेवल होता है। और ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में ही है, फिक्स डेट है एग्जाम कब होगा, वैकेंसी कब आएंगी, फॉर्म कब होगा, ये सब डेट्स फिक्स हैं। इसी वजह से मैंने आपको बताया ताकि आपके माइंड में एक गोल सेट हो सके, एक टारगेट सेट हो सके। तो फ्रेंड्स सब कुछ छोड़ छाड़ के जो भी जिस एग्जाम में आपका इंटरेस्ट है उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए और फोड़ दीजिए, 2021 में सिलेक्शन आपको लेना ही है चाहे कुछ भी हो। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे तक मैं आपको फास्ट रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एवरी संडे चैनल के ऊपर 5:00 PM डिक्टन टफ है शो चल रहा है, एंजॉय करिए, नॉलेज लेते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।